नमस्कार फ्रेंड, आज हम ककोरे की सब्जी बनाएंगे, जिसको ककरोला, करेला, जंगली करेला भी बोलते हैं इसको, और केक्सी भी बोलते हैं, बहुत सारे नामों से जानते हैं। बहुत ही औषधीय गुण होता है इसमें, इसमें भरपूर औषधीय गुण होता है और भरपूर हेल्थ बेनिफिट्स भी होता है। चलिए आगे बताते हैं कैसे बनाते हैं इसको और क्या क्या गुण होते हैं इसमें। बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है, ये सूखी सब्जी इसकी बनती है। आप चाहे तो मसाले वाली भी बना सकते हैं, और इस तरह से बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार होती है। चलिए दिखाते हैं कैसे होता है। इस तरह से होता है, करेले जैसा होता है, लेकिन ये गोल गोल होता है और इसमें कड़वापन नहीं होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है काटने पे। इस तरह से इसको इस तरह से कट करेंगे। एक ककोरे में हम चार पीस करेंगे, छोटा है तो, बड़ा है तो और भी कर सकते हैं। इस तरह से छोटा छोटा पीस हम कट कर लेंगे। इसके औषधीय गुण बहुत सारे होते हैं, इससे खाने से बाल नहीं झड़ता है, और ज़्यादातर ये बरसात के मौसम में ही मिलता है। बारिश के मौसम में ही सब्ज़ी दिखती है मार्केट में, इसको ज़रूर खाना चाहिए। डायबिटीज़ के रोगियों को इसको ज़्यादातर खाना चाहिए। बाल नहीं पकता है समय से, बाल झड़ते नहीं हैं, पेट की समस्या नहीं होती। चेहरे की झुर्रियों के लिए और फैटी लीवर के लिए भी ये बहुत ही कारगर है, इसलिए इसको ज़रूर खाना चाहिए। यहाँ पे हम प्याज कट किए हैं लंबे लंबे स्लाइस में, तीन प्याज ककोरे को कट कर लिए हैं, हरी मिर्ची 4 से 5, लहसुन और टमाटर सबको कट कर लिए हैं। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे हम 2 चम्मच तेल लेंगे, सरसों का तेल लेंगे। उसके बाद इसमें तड़के में हम यहाँ पे हम राई लेंगे 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच जीरा लेंगे, चटकने देंगे, 2 पिंच हींग, 3 से 4 हरी मिर्ची, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ बारीक कट करके, फिर प्याज डाल के थोड़ा सा सौते होने देंगे। प्याज को हमको ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है, थोड़ी देर हमको इसको इस तरह से सॉफ्ट होने देना है प्याज को। यहाँ पे अदरक कुटा हुआ, थोड़ा सा प्याज हमारा सौते हो जाएगा, उसके बाद हम ककोरे को डालेंगे। अच्छे से चला के थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए ककोरा हमारा, पक जाए। इसमें हम और भी स्पाइसी डालेंगे, नमक हम डाल दे रहे हैं ताकि अच्छे से गल जाए। थोड़ा सा सादा नमक और थोड़ा सा काला नमक दोनों डाले हैं। आप देख पा रहे हैं ककोरा हमारा सॉफ्ट हो गया है, 3 से 4 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाता है मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे हम टमाटर डालेंगे, बड़े साइज का 1 टमाटर बारीक कट करके यहाँ पे डाले हैं। टमाटर को भी सॉफ्ट कर लेंगे थोड़ा सा। कुटी हुई काली मिर्ची 1 चम्मच, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है इस सब्जी में। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा कलर के लिए, ये तीखा वाला नहीं है, कश्मीरी है, और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल के इसको हम अच्छे से भूनेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो हमारी आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करके जाइएगा। सब्जी हमारी पक गई है, 3 से 4 मिनट हम इसको अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद खोल के थोड़ा सा भूनेंगे। आप देख पा रहे हैं बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार हो गई है। थोड़ा सा धनिया पत्ता से इसको गार्निश करेंगे। चलिए सर्व करते हैं।
आइए देखते हैं कितनी अच्छी सब्जी बनके तैयार हुई है। आप देख पा रहे हैं बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके रेडी हुई है। आप भी इस तरह से बना के घर में खा सकते हैं। बहुत हेल्दी तरीके से हमने बनाया है इसको, बहुत ही कम समय में बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार हो गई है। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए, नहीं अच्छी लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। इस तरह से धनिया पत्ता से हम गार्निशिंग करेंगे और सर्व करेंगे। ये बहुत ही पसंद आने वाली सब्जी सबको है, बच्चों से लेके बड़ों तक सब लोग पसंद करते हैं। बहुत ही हेल्दी होती है सब्जी, ज़रूर खाना चाहिए बारिश के मौसम में। बहुत ही कम दिखती है मार्केट में, इन जब भी दिखे ज़रूर घर पे लाएं और बनाएं, सबको खिलाएं, खुद भी खाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।